हेलो एंड वेलकम टू एनसीईआरटी जोन। आज हम एनसीईआरटी क्लास 7 के थर्ड चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक के फर्स्ट टॉपिक वूल को पढ़ेंगे। तो हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि नेचुरल फाइबर के बारे में पढ़ा। तो नेचुरल फाइबर हम प्लांट से निकालते हैं और एनिमल से निकालते हैं। प्लांट फाइबर में दो टाइप के फाइबर हो जाते हैं मेनली, कॉटन और जूट, और एनिमल फाइबर में है वूल और सिल्क। वूल मेनली निकाले जाते हैं शीप के हेयर से बनाए जाते हैं, और सिल्क जो होता है सिल्क वार्म के कैटरपिलर से निकाला जाता है। तो वूल मेनली जो एनिमल वूल प्रोवाइड करते हैं वो है शीप, गोट, याक और कुछ दूसरे एनिमल। वो एनिमल अपने बॉडी बॉडी पे हेयर ग्रो करते हैं। वो हेयर अपने अंदर एयर को ट्रैप करता है, एयर को ट्रैप करता है, जो एयर बैड कंडक्टर होता है हीट का, तो हीट को पास करने के लिए अलाउ नहीं करता है, पुअर कंडक्टर होता है। इसलिए एनिमल के बॉडी का हीट बाहर नहीं रिलीज होता है और एनिमल का बॉडी हीट रहता है, और इस कारण से ठंडे जगह पे भी आसानी से सर्वाइव कर पाते हैं शीप जैसे जानवर। तो हमने अभी तक पढ़ा वूल शीप, गोट, याक और कुछ दूसरे एनिमल से निकाले जाते हैं। उसमें का हेयर एयर को ट्रैप करता है और एयर पुअर कंडक्टर होता है हीट का, इसलिए उस एनिमल का बॉडी वार्म रहता है, वो हीट को रिलीज नहीं करता है। एनिमल्स दैट इल वूल, एनिमल जो वूल प्रोवाइड करते हैं। सेवरल ब्रीड्स ऑफ शीप आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। शीप के कुछ ब्रीड हमारे कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में पाए जाते हैं। फ्लेस ऑफ शीप इज नॉट ओनली सोर्स ऑफ वूल, शीप का जो हेयर है वो सिर्फ वूल का सोर्स नहीं है। थ्रो कॉमनली अवेलेबल इन मार्केट इज शीप वूल, जो कॉमनली मार्केट में अवेलेबल वूल है वो शीप से निकाले जाते हैं। वूल कॉमनली इन तिब्बत इज तिब्बत एंड लद्दाख, वूल कॉमनली तिब्बत और लद्दाख से मंगाए जाते हैं। मोहिनीहार इज ऑब्टेन फ्रॉम अंगोरा गोट, मोहिनीहार अंगोरा गोट से निकाले जाते हैं, अंगोरा गोट के हेयर से बनाए जाते हैं, जो मेनली जम्मू और कश्मीर में पाए जाते हैं। वूल इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम गोट हेयर, वूल को गोट के हेयर से भी बनाया जाता है। अंडर द गोट हेयर द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट इज सॉफ्ट इज वूवन इनटू फाइन सॉइल पासिमा सॉइल। कश्मीरी गोट का अंडर हेयर जो होता है वो सॉफ्ट होता है, जिसका यूज सॉल्स बनाने में किया जाता है, जिसे पासिमा सॉइल कहते हैं। फर हेयर ऑफ बॉडी ऑफ कैमल इज ऑल्सो यूज फॉर वूल, कैमल के बॉडी का हेयर का कैमल के बॉडी के हेयर का यूज भी वूल बनाने में किया जाता है। लेम्बा और एल्पिका साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं, इनसे भी वूल निकाला जाता है। एनिमल दैट इज वूल, एनिमल जो वूल प्रोड्यूस करते हैं, तो मेनली शीप प्रोड्यूस कर, कॉमनली शीप का वूल मार्केट अवेलेबल रहता। अंगोरा गोट जो कि जम्मू कश्मीर के हिली रीजन में पाया जाता, जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं, वो भी वूल प्रोड्यूस करता है। कैमल वूल प्रोड्यूस करता है। लेम्बा और अल्पिका जो साउथ अमेरिका का एनिमल है वो भी वूल प्रोड्यूस करता है। फ्रॉम फाइबर टू वूल फॉर ऑब्टेनिंग वूल शीप आर रेयर्ड, वूल निकालने के लिए शीप के हेयर को सेव किया जाता है। रेयरिंग और ब्रीडिंग ऑफ शीप इफ़ यू ट्रेवल इन हिल्स इन जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और प्लेन्स ऑफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात, यू कैन सी शेफर्ड्स टेकिंग देयर हर्ड्स ऑफ शीप फॉर ग्रेजिंग। अगर आप जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के हिल्स से गुजरे, सिक्किम के पहाड़ से गुजरे, या फिर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के प्लेन से गुजरे, जमीन से गुजरे, तो आपको बहुत जगह देखने को मिलेगी कि चरवाहा जो है बहुत सारे शीप को ग्रेजिंग करवाने चरवाने ले जा रहा है। तो ये शीप जो होते हैं वो हरे बोरस होते हैं, मेनली प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, जैसे कि ग्रास हो गया या फिर इन प्लांट के पत्ते हो गए या फिर कोई अनाज हो गया, तो उसे उस पर मेनली फूड के लिए डिपेंडेंट होते हैं ये शीप। तो हम पढ़ेंगे प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल। वूल किस प्रोसेस के द्वारा वूल बनाया जाता है। वूल इज यूज्ड फॉर नीटिंग स्वेटर्स और फॉर वीविंग सॉल्स इज फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ ए लॉन्ग प्रोसेस विच इन्वॉल्व द फ्लोइंग स्टेप। जो जिस वूल का यूज किया जाता है स्वेटर बनाने में, वो बहुत सारे प्रोसेस से होकर गुजरता है, जो अलग अलग स्टेप में बांटे हैं। पहला स्टेप
प्लेसेस ऑफ सीप आर एलॉन्ग विथ थिन लेयर ऑफ स्किन रिमूव फ्रॉम द बॉडी कॉल शेयरिंग। पहला स्टेप में शेयरिंग का प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है, उसके सीप के स्किन के थिन लेयर के साथ उसके हेयर को सेव कर लिया जाता है। तो ये सेविंग मशीन जो होता है और हमारे ही सेविंग मशीन की तरह होता है, जिससे हम अपना हेयर सेव करवाते हैं या फिर जिससे आपके पेरेंट्स अपना बियर्ड बन पाते हैं, बियर्ड बनाते हैं। तो जैसे हमें कोई दर्द का महसूस नहीं होता, हमें कोई हर्ट नहीं होता, उसी तरह हेयर को भी कोई हर्ट नहीं होता, सेव को भी कोई हर्ट नहीं होता, क्योंकि स्किन का आउटर लेयर होता है वो डेड सेल से बना होता है, डेड होता है। स्टेप टू में क्या होता है, स्टेप टू में स्कोरिंग होता है। स्कोरिंग में के प्रोसेस में क्या होते हैं, जो हेयर होते हैं उसे वॉश किया जाता है अच्छे से, क्योंकि उसके ग्रास डस्ट और डर्ट पार्टिकल हट जाए। थर्ड स्टेप में सॉर्टिंग किया जाता है। सॉर्टिंग में क्या होता है, जो स्कोरिंग जो धुला हुआ बाल है उसे फैक्ट्री में सेंड कर दिया जाता है, ताकि अलग अलग टेक्सचर के हेयर को सेपरेट कर दिया जा सके। स्टेप फाइव में क्या होता है, एक स्मॉल फ्लूपी फाइबर्स कॉल बर्स आर पिक्ड आउट फ्रॉम हेयर एंड सेम बर्स विच समटाइम्स अपीयर इन योर स्वेटर्स। स्मॉल छोटा फ्लूपी लाइक फाइबर होता है जिसे बर्स कहते हैं, उसे सेपरेट कर लेके छाट दिया जाता है, सेपरेट कर लिया जाता है। वो वैसे बर्स है जो आपके स्वेटर पर कभी कभी दिखते हैं। स्टेप फाइव में क्या होता है, फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स अस नेचुरल फ्लेसेस ऑफ सीप गोट इज ब्लैक ब्राउन और वाइट। तो जैसे हम मार्केट में देखते हैं, तो मार्केट में अलग अलग हर कलर का अलग अलग स्वेटर्स अवेलेबल रहता है, अलग अलग कलर का वूल अवेलेबल रहता है, पर वो नेचुरल कलर जो होता है गोट का या फिर सीप का वो ब्लैक ब्राउन और वाइट होता है। तो ये सारे कलर कहाँ से आते हैं, तो ये सारे जो हेयर होते हैं सीप गोट सीप का या फिर गोट का, वो पहले इस प्रोसेस के द्वारा डाई किया जाता है, उसमें कलर प्रोवाइड किया जाता है। स्टेप सिक्स में क्या किया जाता है, द फाइबर आर स्ट्रेथेंड कम्ड एंड रोल्ड इनटू यार्न, द लॉन्गर फाइबर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर्स एंड द शॉर्टर फाइबर इज स्पून एंड वूवन इनटू वूलन क्लॉथ। तो स्टेप फाइव सिक्स में क्या होता है, जो सारे फाइबर को स्ट्रेट कर लिया जाता है और उसे रोल करके फिर से धागे बनाए जाते हैं, और जो बड़ा धागा होता है जो लॉन्गर फाइबर होता है उसका यूज किया जाता है स्वेटर बनाने के लिए, जो स्वेटर शॉर्टर फाइबर होता है छोटा फाइबर होता है उसका यूज किया जाता है वूलन क्लॉथ बनाने में। प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर इनटू वूल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोस, सिल्क फाइबर से वूल बनाने का ये प्रोसेस है। शेयरिंग में इसके बालों को सेव किया जाता है, उसके बाद स्कोरिंग में उसके बालों को साफ किया जाता है ताकि गैस ग्रास से डस्ट और डर्ट पार्टिकल हट जाए। सॉर्टिंग में उसे फैक्ट्री में सेंड कर दिया जाता है, जहाँ पे अलग अलग टेक्सचर के हेयर को अलग अलग सेपरेट कर सके। क्लीनिंग के प्रोसेस में उसे क्लीन कर लिया जाता है, उसके बाद डाइंग उसे कलर प्रोवाइड किया जाता है, और रोलिंग के प्रोसेस में उसे कपड़े बनने के लिए भेज दिया जाता है या फिर उससे धागे बनाए जाते हैं। तो हमने प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर इनटू वूल में पढ़ा। शेयरिंग पहला स्टेप है, शेयरिंग में जो फ्लेस और सीप होते हैं, फ्लेसेस ऑफ सीप एलोंग विद थिन लेयर ऑफ स्किन रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, उसके हेयर के साथ इसके स्किन के थिन लेयर को रिमूव कर लिया जाता है। शॉर्ट स्कोरिंग के प्रोसेस में क्या होता है, उसके जो सेव हुए जो बाल छिल चुके हैं उस बाल को उस हेयर को अच्छे से वॉश कर लिया जाता है, ताकि ग्रासेस डस्ट और डर्ट पार्टिकल उससे धुल जाए। स्टेप थ्री में सॉर्टिंग होता है। सॉर्टिंग में क्या होता है, हेयर स्किन इज सेंट टू फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर आर सेपरेटेड एंड सॉर्टेड। जो हेयर स्किन होते हैं उसे फैक्ट्री में सेव कर दिया जाता है, सेंड कर दिया जाता है, जहाँ अलग अलग टेक्सचर के हेयर को सेपरेट कर लिया जाता है। स्टेप फोर, द स्मॉल फ्लूपी फाइबर्स कॉल्ड बर्स आर पिक्ड आउट फ्रॉम हेयर्स, एक छोटा फ्लूपी लाइक फाइबर्स होता है बर्स, जिसे उस हेयर से सेपरेट कर लिया जाता है। स्टेप फाइव में फाइबर आर डाइड इनटू वेरियस कलर, फाइबर को अलग अलग कलर से कलर किया जाता है। स्टेप सिक्स में फाइबर आर स्ट्रेथेंड एंड कॉम्ड एंड रोल्ड इनटू यार्न, फाइबर को सीधा करके कॉम्ब करके उसका यूज
कर लिया जाता है धागे बनाने में।